जो गीत मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं वो मेरे लिए गीत नहीं है, मेरे भाव है मेरे पिता के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे तमाम लोग जो अपने पिता से कुछ कहना चाहते हैं इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमारे संस्कार में, भारतीय संस्कार में पिता से हमारा संवाद बहुत कम है। हम उनसे जब ये कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं तब भी हमारे मन में प्यार के भाव नहीं जगते हैं, भय के भाव जगते हैं। तो ये पिता का कद है हमारे जीवन में। सुनिएगा, चार पंक्तियां रखता हूं कि दायित्वों के भोगी को सुख का उपहार नहीं मिलता। पिता कैसे होते हैं कि दायित्वों के भोगी को सुख का उपहार नहीं मिलता, आप विजय का कारण भी होकर जयकार नहीं मिलता। औरों के दुख में भी अक्सर अश्रु खोने वाले को कि औरों के दुख में भी अक्सर अश्रु खोने वाले को खुद की पीड़ा में भी रोने का अधिकार नहीं मिलता। बहुत बढ़िया भाई। खुद की पीड़ा में भी रोने का अधिकार नहीं मिलता कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। कि साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है लेकिन भूखे पंछी को बस दाना अच्छा लगता है। लेकिन भूखे पंछी को बस दाना अच्छा लगता है। दुनिया को कितनी जल्दी है मैं खाने की पर मुझको, मैं खाने मतलब शराब की दुकान, कि दुनिया को कितनी जल्दी है मैं खाने की पर मुझको शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है। शाम ढले तो पापा का घर आना अच्छा लगता है कि इस दुनिया में बाप हुए केवल हंसकर जीने वाले। पिता कैसे होते हैं कि इस दुनिया में बाप हुए केवल हंसकर जीने वाले। तुमको थोड़े दुख में भी मर जाना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। कि तुमको थोड़े दुख में भी मर जाना अच्छा लगता है। साकी को तो मैं कश पैमाना अच्छा लगता है। गीत रखता हूँ, सुनिएगा पूरे मन से, आशीर्वाद दीजिए, मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा। कि बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, मेरे नन्हे हाथ पकड़ लो फिर गिरने के बाद, कड़वे से जीवन में दे दो फिर मीठी सी याद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। बंद रखता हूँ। स्वागत। कि तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया। बहुत अच्छे। तेरे कांधे में बैठे तो रुतबा जग के पार गया, पर्वत नीचे बैठ गया और अंबर हमसे हार गया, मेले झूले बाग बगीचे सारे अपने नाम हुए, और तेरी दौलत के आगे कोई ना साहूकार गया, फिर मेरा बचपन लौटा दो, मेरा वो बचपन लौटा दो, इतनी सी फरियाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। बीच बीच में तालियां बजाते रहिए। और पिता क्या करते हैं, ताउम्र चार पंक्तियों में रखता हूं, सुनिएगा क्या करते हैं वो पूरे जीवन भर। कि तुमने कतरा कतरा जोड़ा हर दुख की भरपाई को, तुमने कतरा कतरा जोड़ा हर दुख की भरपाई को, हमसे जैसे दूर किया है पीड़ा की परछाई को, मांगे तुमने पूरी कर दी बेटे के बिन मांग के ही, बेच दिया सारा कुछ अपना बेटी की शहनाई को, खुद को खर्च किया है तुमने, खुद को खर्च किया है तुमने करने सब आबाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। बढ़िया बढ़िया। कि मुझ पर जितना गर्व किया है उतनी भी कोई बात नहीं। हमारे छोटे छोटे काम से हमारे पिता जो हैं गौरवान्वित होते हैं, पर सच्चाई क्या है सुनिएगा। कि मुझ पर जितना गर्व किया है उतनी भी कोई बात नहीं,
तेरे नाम से ज्यादा मेरी सच बोलूं औकात नहीं, हम हासिल भी क्या कर लेंगे इस छोटी सी दुनिया में, आपका बेटा होने से बढ़ के कुछ भी सौगात नहीं, फिर तेरे घर आना चाहूं, तेरे ही घर आना चाहूं मैं मरने के बाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद। और इस गीत की आखिरी चार पंक्तियां सुनिएगा, गीत अच्छा लगे तो पूरे मन से एक बार ताली बजा के मुझे विदाई दीजिएगा, एक चार पंक्तियां अंतिम रखता हूं। कि बिन तेरे कैसा है जीवन सोच के ही घबराऊं मैं, पिता जब तक होते हैं उनकी कीमत हम नहीं करते, पर उनसे पूछे पिता का, पिता की कीमत क्या है जिनके सिर पे पिता का साया नहीं। सुनिएगा चार पंक्तियां सुनिएगा। कि बिन तेरे कैसा है जीवन सोच के ही घबराऊं मैं, कितना प्यार करूं मैं तुमसे क्या तुमको बतलाऊं मैं, तेरे होने से कायम है मेरी सांसें मेरा घर, तेरे होने से कायम है मेरी सांसें मेरा घर, तुझको खोने के डर से ही ना एक दिन मर जाऊं मैं, और अपनी पाबंदी से मुझको, अपनी पाबंदी से मुझको ना करना आजाद, बापू मेरी पूरी कर दो फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद।